गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। 2023 और 24 के लिए इस सीरीज का आज दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम पहले एक एक पेपर को समझेंगे, हर पेपर में क्या क्या सिलेबस हैं, हर पेपर में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि हर पेपर के लिए कौन सी किताबें, कौन सा मटेरियल हमें पढ़ना होगा। एक तरीके से हम ये जानना चाहते हैं कि हमें यूपीएससी में तैयारी करने के लिए कौन से विषय पढ़ने हैं, किन विषय की हमें तैयारी करनी है, कौन से विषय प्रीलिम्स में आएंगे, कौन से विषय मेंस में आएंगे, कितना इम्पोर्टेंस उस विषय का है, हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि 2023 जहां जीरो से तैयारी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं हर एक बात आपको समझाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ इसका ग्रुप में मिल जाएगा, जो भी आप क्लासेस देख रहे हैं उसका पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल रहेगा। सबसे पहली और कुछ महत्वपूर्ण बातें, यदि आप इस समय सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ, आप जुड़ सकते हैं भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। लगभग यदि हम बातचीत करें, इन 13 वर्षों में 3.5 लाख से ज्यादा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के विद्यार्थियों को तैयार किया है। यदि मैं बात करूं वास्तविक एक्सपीरियंस की, तो मेरा वास्तविक एक्सपीरियंस 2006 से काउंट होना चाहिए पढ़ाने के लिए। 2006 से लेकर 2022 तक, मतलब लगभग 16 वर्षों का एक्सपीरियंस। इसलिए 16 वर्षों का एक्सपीरियंस क्योंकि लगभग 3 वर्षों तक मैं मेडिकल वालों को केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी भी पढ़ाता था। बट एज ए यूपीएससी की अगर हम बात करें, तो यह एक लंबा एक्सपीरियंस है जो कंटिन्यूअसली, केवल एक अटेम्प्ट के बाद ही हमने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, तो काफी लंबे समय से हम इस यूपीएससी में विद्यार्थियों को गाइड कर रहे हैं। बहुत ही कम टाइम के लिए एक ऑफर आपके पास आया हुआ है कि यदि आप सब्जेक्ट का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से फ्री दिया जा रहा है। हो सकता है ये आज भी खत्म हो जाए। जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है वो क्रेडिटेड विद इन 1 वीक ऑफ परचेस। आज यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते तो 1 सप्ताह के बाद आपको ऑप्शनल इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो एक बेहतरीन मौका है, आप इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जीएस और ऑप्शनल दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही कम टाइम के लिए। इसका मतलब मैं कहूंगा कि जितना जल्दी हो फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल फ्री दिया जा रहा है। ऑप्शनल का पूरा पेपर, जितने ऑप्शनल है सब फ्री दिए जा रहे हैं। वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर के अलावा 18 महीनों के सब्सक्रिप्शन के लिए भी। साथ ही साथ 27 मार्च को अनएकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप होने जा रही है। स्कॉलरशिप टेस्ट है ये सबसे बड़ा, जिसमें 15 करोड़ से ज्यादा के स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ भी आपके पास ऑप्शन है। और एक और बड़ी खुशखबरी है कि अनएकेडमी स्टोर ओपन हो होने वाला है 12 मार्च को, परसों के दिन। ये एड्रेस है 30 पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर 121। अनएकेडमी स्टोर पर आप वहां पर अनुभव कर सकते हैं कि किस तरीके से क्लासेस अनएकेडमी पर होती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी आपके पास ऑप्शन है, जिसमें पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का ऑप्शन मिलता है, लोन की भी सुविधा है, और एमके लाइव रेफर कोड आप यूज करिए। इस समय एमके लाइव रेफर कोड आपको दिया जा रहा है। एमके लाइव रेफर कोड के माध्यम से 12 मार्च तक है ये ऑफर, 12 मार्च तक ही ऑफर है। तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि पूरी तरह से ऑप्शनल फ्री दिया जा रहा है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? कंप्लीटली ऑप्शनल आपको फ्री मिल रहा है। यदि आप इन 1-2 दिनों में सब्सक्रिप्शन ले रहते हैं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये, इसे मिस मत होने दीजिए।
बाकी लोन से भी आप यही ऑप्शनल यही चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लोन पर भी आपको वो सारा फैसिलिटी मिलेगा, तो आप इसको भी चुन सकते हैं। तो जो बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स, बेस्ट इन क्लास लर्निंग रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, लर्नर इनरोल इन टेस्ट सीरीज का भी आपके पास ऑप्शन आ चुका है। कई सारे नए बैच 16 मार्च से आने वाले हैं, तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच आएगा अप्रैल में, जो हम 2023 और 24 के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल जीरो से तैयारी की शुरुआत प्लस पर करेंगे, प्लस पर। तो आपके पास अप्रैल का टाइम रहेगा शुरुआत करने का, लेकिन यदि यह ऑफर आपको चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन इन्हीं कुछ दिनों में लेना पड़ेगा। एमके लाइव हमारा रिफर कोड है, जब भी अनएकेडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस रिफर कोड को जरूर यूज करिए। आपके परिचय में कोई कर रहा हो तो उन्हें जरूर सजेस्ट करिए कि वो एमके लाइव रिफर कोड यूज करे। कल 6:30 बजे एग्जाम रस पर क्लास नहीं होगा, कल जनरल साइंस का लंबा क्लास लेंगे हम लोग। शनिवार सुबह 9 बजे नेशनल इनकम पर क्लास होगी और शनिवार शाम 7 बजे मौर्योत्तर काल पर हम बातचीत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 1। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि यूपीएससी में सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू, फिर होती है ट्रेनिंग और फिर आपको मिलती है पोस्टिंग। हमारी लड़ाई यहां तक है, हम आपके साथ यहां तक है। इसके बाद सिलेक्शन के बाद आप अपनी तरह से जीवन को जी सकते हैं क्योंकि सिलेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट है, बहुत सारे लगभग 90% सब्जेक्ट प्रीलिम्स के ऐसे हैं जो मेंस में भी आते हैं। मेंस के जो सब्जेक्ट है और प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे कॉमन है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो केवल प्रीलिम्स के हैं, जैसे जनरल साइंस, जैसे कि जनरल साइंस के अलावा सी सेट, ये केवल प्रीलिम्स तक ही साथ देंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट मेंस में भी रहते हैं। माना जाता है, कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर प्रीलिम्स की तैयारी कब होगी और मेंस की तैयारी कब होगी, तो पहले आप अपना दृष्टिकोण सुधार लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस में तैयारी अलग अलग नहीं होती, प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न अलग अलग होते हैं, पर उसी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव और उसी प्रश्न का सब्जेक्टिव हल करने के लिए हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, यदि आप लोगों को मैं जियोग्राफी में चक्रवात पढ़ा रहा हूं, साइक्लोन पढ़ा रहा हूं, और वह साइक्लोन या चक्रवात आपको पूरी तरह से समझ में आया कि उसके उत्पत्ति का कारण क्या है, वो कितने टाइप का होता है, उनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं, तो फिर आप उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल कर सकते हैं और उस पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न भी। तो पढ़ना आपको एक ही बार प्रॉपर तरीके से चक्रवात है, आपको प्रैक्टिस अलग अलग प्रश्नों की करनी पड़ती है। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम अलग नहीं करते, बल्कि हम एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और यदि हम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो हमारा प्रीलिम्स भी कवर होता है और मेंस भी। जैसे कहा जाता है ना कि जो विद्यार्थी एक बार मेंस लिख देता है या जो विद्यार्थी एक बार इंटरव्यू दे देता है, तो उसके पास होने की, प्रीलिम्स में पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। गारंटी नहीं होती लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा होती, वो इसीलिए होती है क्योंकि उसने अब सिलेबस को मेंस के दृष्टिकोण से देख लिया है। तो यदि कोई विद्यार्थी मेंस के दृष्टिकोण से सिलेबस को देख ले, सिलेबस को बढ़िया से कवर कर ले, तो प्रीलिम्स के पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़िया मानी जाती है क्योंकि कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं। और प्रीलिम्स में फैक्ट कम और कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना ही है, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम आखिरी के महीने 2 महीने प्रीलिम्स के लिए फैक्ट पर भी काम करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कंसेप्ट और फैक्ट दोनों की हमें जरूरत पड़ती है। तो पहले हम बातचीत कर रहे हैं कि जीएस पेपर
चार टाइप से या चार पेपरों में बांटा गया है मेंस में। कल मैंने आपके सामने बातचीत कही थी कि जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू, जीएस पेपर थ्री और जीएस पेपर फोर, ये चार जीएस के पेपर हमारे पास होते हैं। तो इसमें हम आज बातचीत जो कर रहे हैं जीएस पेपर वन। जीएस पेपर वन में मोटे तौर पर यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो पांच विषय हैं। जीएस पेपर वन में हमें पांच विषय पढ़ने हैं। कौन से विषय सर? सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पहला चैप्टर या पहला हम कहेंगे कि सब्जेक्ट जीएस पेपर वन में। इसमें सिलेबस में टोटल 12 यूनिट है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं करूंगा कि जीएस पेपर वन में 15 से ज्यादा यूनिट है, 18 से ज्यादा यूनिट है। नहीं महोदय, जीएस पेपर वन में केवल 12 यूनिट है, केवल 12। 13वीं यूपीएससी ने नहीं बनाई है, कुछ गंदे लोगों ने बनाई होगी। यूपीएससी के जीएस पेपर वन मेंस वाले में टोटल 12 यूनिट है और उन 12 यूनिट में टोटल पांच विषय पढ़ने हैं। टोटल पांच विषय पढ़ने हैं। तो कला और संस्कृति जिसमें यूनिट, जिसमें हम यूनिट वन की बात करते हैं, केवल जिसमें केवल यूनिट वन पढ़ा जाता है, इसमें केवल एक यूनिट हमें पढ़नी होती है। एक ही यूनिट में पूरा आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी ने डिस्क्राइब किया, हम देखेंगे कि क्या है। फिर दूसरा विषय आता है हिस्ट्री पर, याद रखेंगे इतिहास में तीन इतिहास के पहलू हैं। एक है प्राचीन, एंशंट इंडियन हिस्ट्री, एक है मध्यकालीन, मिडेवल, और एक है मॉडर्न, आधुनिक। याद रखिएगा कि मेंस के सिलेबस में इन दोनों को नहीं दिया गया है, तो ये केवल प्रीलिम्स में आते हैं। जी महोदय, केवल प्रीलिम्स में आते हैं, ये केवल प्रीलिम्स में। लेकिन माना जाता है जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आर्ट एंड कल्चर पर भी हमारी पकड़ नहीं बनती है। आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। आधुनिक भारत भी ऐसा ही है कि प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। और इतिहास जो दूसरा विषय जिसमें हमें केवल आधुनिक भारत का विषय बताया है जीएस पेपर वन में, जिसमें 12 यूनिट की हमने बातचीत की है, उसमें दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट सिलेबस में आधुनिक भारत के नाम से डेडिकेट है। आधुनिक भारत के नाम से डेडिकेट है दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट। फिर तीसरा विषय यहां पर हम कहेंगे विश्व आधुनिक इतिहास या आधुनिक विश्व का इतिहास, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें यूपीएससी ने केवल एक यूनिट में दिया है, पांचवी यूनिट, पर एक ऐसा सिलेबस है जो केवल मेंस में आता है। जी महोदय, केवल मेंस में। सब लिखवा रहा हूं मैं, बिल्कुल हर एक चीज लिखवा रहा हूं ताकि पूरी क्लैरिटी रहे हर स्टूडेंट्स को कि कौन सा सेगमेंट प्रीलिम्स में आएगा, कौन सा सेगमेंट मेंस में आएगा, कौन से सेगमेंट दोनों में आएंगे। फिर चौथा सब्जेक्ट जो इसमें हम मानेंगे, वो चौथा सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। इसमें सिलेबस में यूनिट 6, 7, 8, 9,
चार यूनिट डी है, चार यूनिट, बट मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये भी केवल ओनली मेंस में आता है। मेंस का मतलब क्या है? मुख्य परीक्षा, जो प्रीलिम्स के पास होने वाले विद्यार्थी लिखते हैं उस परीक्षा में इसको पूछा जाएगा। और इसका आखिरी विषय, इसका जो आखिरी विषय है वो है ज्योग्राफी, भूगोल। और ज्योग्राफी में तीन यूनिट यूपीएससी ने कही है, 10, 11, 12, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, मेरे साथ टेबल बनाना, सभी लोग कागज पेन ले लीजिए। जीएस पेपर वन, जीएस पेपर वन टोटल यूनिट 12, टोटल सब्जेक्ट 5। सबसे पहले यूनिट वन, यहां टाइटल डालिएगा यूनिट, यहां डालिएगा सब्जेक्ट, यहां पर लिखते चलेंगे कि वो प्रीलिम्स में आएगा कि मेंस में आएगा। सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस, और यहां लिखिएगा मटेरियल और इंपॉर्टेंस। एक ही जगह पर सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। यूनिट वन आर्ट एंड कल्चर है, ये कला और संस्कृति है, कला और संस्कृति। प्रीलिम्स में आता है, यस। मेंस में आता है, यस। इसके लिए मटेरियल क्या पढ़ना चाहिए? तो नितिन सिंघानिया एक किताब है, प्लस हमारी कक्षाएं। कितना इंपॉर्टेंस है? मेंस में दो प्रश्न और प्रीलिम्स में 8 से 10 प्रश्न मिनिमम। पहली यूनिट, सभी को क्लियर हो रहा है? ऐसा डिस्क्रिप्शन इस तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे कि आप एक कागज बना लेना, जहां आप अपनी तैयारी करते हो वहां कागज बना लेना, ताकि आपको पता चले कौन प्रीलिम्स में आएगा, कौन मेंस में आएगा, कितना इंपॉर्टेंस है। अब क्योंकि इतिहास हम इसी पेपर में मान के चलते हैं, तो इतिहास को हम यही पर लिख रहे हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं है। कौन से इतिहास में? प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। प्रीलिम्स में आता है? जी हां आता है। मेंस में आता है? जी नहीं आता है। मटेरियल के रूप में राम शरण शर्मा, ओल्ड एनसीआरटी है ये, इनका नाम ओल्ड एनसीआरटी के राइटर में है, प्लस हमारी कक्षाएं। मैंने इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बहुत कुछ कवर करा दिया है। मेंस में नो क्वेश्चन, प्रीलिम्स में 5 से लेकर 7 प्रश्न,
पांच से लेकर सात प्रश्न। मध्यकालीन भारत के लिए भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वो प्रीलिम्स में आता है। मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्या वो प्रीलिम्स में आता है? जी हां, यस, मिडेवल हिस्ट्री। क्या मेंस में आता है? नहीं। प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता है। मटेरियल के रूप में सतीश चंद्र नाम से किताब आएगी। ओल्ड एनसीईआरटी है ये भी, यही मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ये ओल्ड एनसीईआरटी ही है वो सतीश चंद्र। मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं। अगर मेंस में क्वेश्चन मिले भी तो समझ जाना वो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा होगा। चार से लेकर छह प्रश्नों का वेटेज है, प्लस हमारी कक्षाएं आपको इसमें मिलेगी। और YouTube पर हमने दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल कवर करवाया है। फिर यूनिट दो, तीन, चार, यूनिट दो तीन चार मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, क्या प्रीलिम्स में आता है? जी महोदय। क्या मेंस में आता है? जी महोदय। कौन सी किताब? तो हमने आपको बताया था कि या तो बिपिन चंद्र, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है, ब्लैक स्वान वाली नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी, या स्पेक्ट्रम। और मैंने इसे यूट्यूब पर कवर कराया है जीएस पेपर वन के नाम से, जीएस पेपर के नाम से मैंने कवर कराया है। आप केवल YouTube पर सर्च करिए GS पेपर वन, तो हमारी क्लास आपको मिल जाएगी। कितना इम्पोर्टेंस है? तो मेंस में लगभग छह से लेकर आठ प्रश्न, छह से लेकर आठ प्रश्न, और प्रीलिम्स में लगभग पंद्रह से लेकर 16 प्रश्न तक इसमें कई बार बन जाते हैं, 12 से लेकर 16 प्रश्न, कभी कभी कम वेटेज भी हो जाता है, 12 से लेकर 16 प्रश्न। मेरे साथ टेबल बनाते चलिएगा और मुझे कमेंट्स करते चलिएगा कि आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है ना। बिल्कुल सारी कक्षाएं चलेगी, सिलेबस भी कवर होगा, सब कुछ चलेगा, पर मैं आपको सोर्स भी बताते चल रहा हूं ताकि बिल्कुल जीरो से कहानी समझ में आ जाए। मेरे साथ टेबल बनाते चलना। अभी हम चौथी यूनिट पर आए हैं तो टेबल बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। मुझे बताइए, लिख लिया है, आगे बढ़ू मैं? ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूं कि फाउंडेशन का मतलब ही है कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए चीजों को समझाते चलेंगे हम। अब आगे बढ़ रहे हम, यूनिट चार तक हमने देख लिया है, वापिस टेबल बनाएंगे। यूनिट, सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस,
मटेरियल एंड इंपॉर्टेंस सिलेबस में यूनिट 5 सब्जेक्ट का नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व का इतिहास क्या प्रीलिम्स में आता है? नहीं। क्या मेंस में आता है? यस। मटेरियल के रूप में क्लास 9 एनसीईआरटी प्लस हमारी कक्षाएं आपको मिलेगी जीएस पेपर 1 पांचवी यूनिट के नाम से। कितना इंपॉर्टेंस है तो प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर यूनिट 6, 7, 8 और 9 विषय का नाम इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, क्या प्रीलिम्स में आता है? नहीं। मेंस में आता है? यस। मटेरियल के रूप में मटेरियल के रूप में आप कोई भी बुक या एनसीईआरटी, भारतीय समाज क्लास 11 की एनसीईआरटी आती है, बट ये जनरली करंट बेस ज्यादा होता है, साथ ही हमारी कक्षाएं इसमें आपको मिलेगी। प्रीलिम्स में नहीं आते इसके सवाल, मेंस में 4 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं। यूनिट 10, 11, 12 विषय का नाम भूगोल, पर इस भूगोल में भी कई भूगोल हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इतने टाइप का ज्योग्राफी क्या प्रीलिम्स में आता है? यस। क्या मेंस में आता है? यस। क्या इसका मटेरियल है? तो एनसीईआरटी क्लास 11 भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल, पर साथ ही साथ क्लास 12 की एनसीईआरटी प्लस हमारी क्लास आपको हर विषय पर मिलेगी,
ये जीएस पेपर वन के नाम से नहीं, आपको ये ज्योग्राफी के नाम से मेरी कक्षाएं ढूंढनी पड़ेगी, मिल जाएगी यूट्यूब पर, केवल सर्च करना है। पर मैं पढ़ाऊंगा सब, प्रीलिम्स लगभग 10 से लेकर 15 प्रश्न, मेंस 4 से लेकर 6 प्रश्न, 4 से लेकर 6 प्रश्न बनते हैं। ये टेबल पूरा एक पेज में बना देना और इस टेबल को याद करना है। क्यों याद करना है? सिलेबस जिसको पता नहीं है ना, वो मास्टर भी हवाबाज हैं और वह स्टूडेंट भी हवाबाज है। जिसको सिलेबस ही नहीं पता है वो तैयारी करते हैं 5-5 साल 10-10 साल, लेकिन वही कि प्रीलिम्स तक निकाल नहीं पाएंगे। तो यदि हम बातचीत करें तो जीएस पेपर वन, क्या एक एक बात बिल्कुल समझ में आ गई है? 6, 7, 8, 9 इंडियन सोसाइटी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में आएगा। कोई बुक आप स्टैंडर्ड मतलब स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, टीएमएच की किताब आती है, टाटा मैग्रा हिल की किताब आती है, एनसीईआरटी में क्लास 11 भारतीय समाज पर किताब है, हमारी कक्षाएं हैं। प्रीलिम्स में कोई प्रश्न नहीं, मेंस में 4 से 6 प्रश्न आएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, यूनिट जीएस पेपर वन टोटल 12 यूनिट है, 5 सब्जेक्ट हैं। हमने बता दिया पहली यूनिट किससे जुड़ी हुई है, प्रीलिम्स में आएगी कि नहीं आएगी, मेंस में आएगी कि नहीं आएगी। साथ ही साथ हमने बताया कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये मेंस में नहीं आते हैं, केवल प्रीलिम्स में आते हैं। इनका मटेरियल क्या है, कितने सवाल आते हैं, मोटे तौर पर मैंने आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख दी है। अब मैं आपको जरा यूपीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस दिखा देता हूं। हमेशा पहले क्लास लेनी है फिर किताब पढ़नी है, वो एनसीईआरटी भी पढ़नी हो तो क्लास के बाद ही। मैंने सुना है कई मास्टर आपसे कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो, पर वो एनसीईआरटी भी तब समझ में आएगी ना जब आपने उस विषय के बारे में कुछ तो जानकारी जुटाई हो किसी मास्टर से। इसलिए पहले क्लास लेंगे और फिर किताबों को पढ़ेंगे। तो ये जीएस पेपर वन, यहां पर पूरी यूनिट 5 वर्ल्ड हिस्ट्री की है, आधुनिक विश्व इतिहास की है। एक नजर मैं आपको थोड़ा सा आप समझाना चाहूंगा। वैसे मेन तो यही पेज था जो मैंने आप लोगों को तैयार करवा दिया है पेपर वन का। हैप्पी सिंह कह रही है कि सर मैं कोर्स नहीं खरीद सकती, क्या आप YouTube क्लास से पूरी तैयारी हो जाएगी? क्लासेस की तैयारी तो पूरी आपको करनी है, और मैंने आपको इसके पहले भी चैलेंज बताया है और अभी भी फिर बता रहा हूं, यदि तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून है, हवाबाजी वाला नहीं कि 4-5 चीजें पढ़ी और लगने लगा कि हाँ मैं भी अब पड़ोसी अड़ोसी से बेटर हूं। आपको कॉम्पिटिशन में मैं बता दूं कि जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो ऑफलाइन क्लास बकायदा पूरी 2.5-3 घंटे डेली बैठकर होती है। कई सारे विद्यार्थी 1.5 घंटे की क्लास में कहते सर क्लास लंबी हो रही है, 2.5-2.5 घंटे 3-3 घंटे क्लासेस चलती है, कई बार 4-4 घंटे भी क्लास खींचती है। तो यदि आप इतनी कक्षाएं डेली ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को बनाते हुए, सेल्फ कंट्रोल करते हुए अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। फिर कोई शिक्षक आपके साथ हो या न हो, आप सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। इसलिए आपको देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि वीडियो को शेयर करते चलिए, जितना ज्यादा वीडियो पर शेयर होंगे, जितने व्यू आएंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उस वीडियो को बंद होने से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं कर सकता बंद करने की, क्योंकि जिस वीडियो चलते हैं बढ़िया से, ऑब्वियसली उन वीडियो को कंटिन्यूअसली जारी रखा जाता है। तो ये जीएस पेपर वन का पोस्टमार्टम है, हर चीज मैंने बता दी है,
पर एक नजर मैं आपको टीम ने क्या तैयार करके रखा है उसको भी दिखा देता हूं। तो हमारी टीम ने पेपर वन में बता दिया, पेपर वन का नाम क्या है? पेपर वन का नाम है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, पेपर वन का नाम है। इस पेपर वन का नाम यूपीएससी ने यह रखा है। हिस्ट्री में हम जानते हैं कि चार तरीके की हिस्ट्री, चार कॉपियां बनानी पड़ती है, एंशंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। ये केवल प्रिलिम्स में आते हैं, ये प्रिलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, ये केवल मेंस में आता है। फिर हमने देखा कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रिलिम्स में यूपीएससी ने मेंशन किया है। कितने सवाल आते हैं तो आप देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पर 13 से लेकर 20 क्वेश्चन का दायरा है, 13 से लेकर 20 क्वेश्चन का दायरा है अलग अलग वर्षों में। मेंस में यदि हम बात करें तो इतने प्रश्न मेंस में आए हैं, 6 से लेकर 8 प्रश्न तक आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न कैसे आते हैं, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, और फिर 3 कथन देने के बाद एग्जामिनर आपसे चीजें पूछ सकता है। इसी टाइप में आपको प्रिलिम्स के प्रश्न मिलेंगे कि भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे, कौन कौन से लोग आर्थिक आलोचक थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस टाइप के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, तो ऐसी कई सारी चीजें आपके सामने आती है प्रश्न के रूप में। मध्यकालीन भारत जो कि उस समय के राज्य थे और वर्तमान का क्षेत्र, वो कहां पर जुड़ता है, इस तरीके से पूछा गया था कि कौन सा क्षेत्र किससे जुड़ा गया है। यूनिट 1, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। यूनिट 4, आजादी के बाद का भारत है। फिर अगर हम सिंप्लीफाई करें सिलेबस को, तो भारतीय विरासत और संस्कृति में ये सिलेबस है, ये हमारी टीम ने बनाकर दिया है कि यदि आपको भारतीय संस्कृति और विरासत, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना है तो ये आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारी टीम के अकॉर्डिंग बनाया गया सिलेबस है, जहां टीम समझाने की कोशिश कर रही है कि रियल में आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या लिया जाएगा, कला और संस्कृति का मतलब क्या लिया जाएगा, प्राचीन भारत के इतिहास का मतलब लिया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत का इतिहास और शब्दावली। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को समझाने की कोशिश की है हमारी टीम ने कि आप प्राचीन भारत का हिस्ट्री मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, ये प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना होगा। यदि आपको प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ सामाजिक स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, रिलीजन कौन कौन से थे, शासक कैसे कार्य करते थे, इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी, शिक्षा की स्थिति कैसी थी, टेक्नोलॉजी कैसी थी और कौन कौन सी घटनाएं इम्पॉर्टेंट थी। ये डायमेंशन होते हैं जब भी कोई भी प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, उत्तर मुगल काल और शब्दावली, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास का सिलेबस है। कई सारे लोग इनको ज्यादा इतिहास समझते हैं, शासक का नाम उसे पता है तो सोचता है उसने इतिहास पढ़ लिया। जी नहीं, शासक के नाम की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके शासन काल में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, न्यायपालिका कैसी थी, धर्म का विषय वहां पर कैसा था,
उनका कालक्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। किस शासक को क्या कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उसे ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो कब जन्मा और कब मरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन किसका दामाद और किसका पुत्र था, इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने कौन सा युद्ध जीता और हारा, हाँ उस युद्ध के क्या परिणाम हुए और उस युद्ध को करने के कारण क्या थे, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रमों को क्रमिक रूप से समझने के दृष्टिकोण से उपयुक्त के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा विगत 2 वर्षों से सिविल सेवा प्रारंभिक प्रश्नों में तथ्यात्मक प्रश्नों की संख्या निरंतर बढ़ी है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा की स्थिति के साथ साथ टेक्नोलॉजी का सिचुएशन कैसा है। ये डायमेंशन होता है जब भी हम कभी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इतिहास को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में यूनिट 3 दी गई है, यूनिट 2, 3, 4, ये UPSC का सिलेबस है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। आइए देखते हैं, यदि आप हमारे अकॉर्डिंग देखना चाहे तो 18वीं सदी के मध्य का भारत, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, बंगाल और शेष भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, कंपनी का शासनकाल 1857 से लेकर 1857 तक, कंपनी का शासनकाल ब्रिटिश क्राउन काल 1857 से लेकर 1947 का टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड के गवर्नर, ब्रिटिश क्राउन काल में प्रमुख गवर्नर जनरल, उनकी कैसी आर्थिक नीतियां थी, प्रशासनिक संगठन ब्रिटिश काल में कैसा था, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 1857 का विद्रोह और उसके बाद ब्रिटेन की नीति में क्या परिवर्तन आए, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रभाव, शिक्षा व्यवस्था। जब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि फिर भारत का एक राष्ट्र के रूप में कैसे उदय हुआ। हम समझ पाएंगे कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो ऐसे क्यों है। हम समझ पाएंगे कि उस दौर में जिस तरीके के आंदोलन हुए उसने हमारे संविधान में क्या चीजों को जोड़ा और घटाया। तो जब हम डिटेल में पढ़ते तब चीजें क्लियर हो पाती हैं। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, मुस्लिम लीग, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, आजाद हिंद फौज, वेवेल योजना, एटली योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन, फिर आजादी के बाद भी रियासतों का एकीकरण, सरदार पटेल की भूमिका रियासतों के एकीकरण में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इन्हीं के आधार पर, फिर वो मध्यकालीन हो, प्राचीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, याद रखिएगा कि इसी क्रम में हमें चीजों को समझना होता है। आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने का आयाम 2, विश्व के विभिन्न भागों में ब्रिटिश उपनिवेशिक देशों की स्थिति क्या थी। जब हम भारत को समझना चाहते तो हमें देखना पड़ेगा कि वो भारत पर ये नीति जब ला रहे हैं तो उस समय उनके बाकी जो देश थे जिनको उन्होंने गुलाम किया था वहां क्या सिचुएशन चल रही थी। उससे भी आपको पता चलेगा कि भारत में ब्रिटिश नीति क्यों बदलती चली गई। और तीसरा जो आयाम होता है जिससे कि हम भारतीय इतिहास के माध्यम से संविधान और राज व्यवस्था को समझने की कोशिश भी करते हैं। आधुनिक विश्व का इतिहास जो कि यूनिट 5 में दिया गया है, ये सिलेबस UPSC ने दिया है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी और बाद की घटनाएं जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इसके विभिन्न रूप शामिल होंगे। हमारे टीम ने बनाकर दिया है कि ये पढ़ना चाहिए, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन के साथ साथ अमेरिकन क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, वो भी पढ़नी चाहिए, और फिर ये वाला सिलेबस जो एज इट इज UPSC ने मेंशन किया है। एक हाथ प्रश्न इसमें हर साल आता ही है,
तो बहुत सेलेक्टिव अप्रोच रखिएगा, बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ना नहीं है। एक प्रश्न या दो प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं तो ज्यादा इसका वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें पढ़कर जाना जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न यूपीएससी ने मेंस में पूछे हैं, अलग अलग वर्षों में किस तरीके के। दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो यह ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। फिर समाज, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ये मेंस में सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में इसके कोई सवाल नहीं है, ये मेंस के प्रश्न है। 5 से 6 प्रश्न फिक्स्ड है और 4 यूनिट है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता पर भी बातचीत रहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में कभी नहीं आएगा। कौन सी किताबें, तो आप इतनी किताबें मैं बता रहा हूं, कोई एक भी चल जाएगी, कोई भी एक किताब भी ले सकते हैं, और नहीं भी लेंगे तो कोई घबराना नहीं, क्योंकि इसमें करंट के इशू बहुत सारे होते हैं तो हम समझा देते हैं, बाकी हमारा मटेरियल आपके पास रहेगा ही। अंतिम है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। यूपीएससी ने अपने प्रीलिम सिलेबस में ये बताया है, भारत और विश्व का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और 8 से लेकर 11-14 तक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 6 से लेकर 14 तक के प्रश्न आपको ज्योग्राफी में मिल जाएंगे, लगभग 6 से लेकर 8 प्रश्न मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि प्रश्न ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव में किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। फिर इस तरीके के कई सवाल इसमें आते हैं। 10वीं यूनिट, 11वीं यूनिट और 12वीं यूनिट यूपीएससी ने इसमें दी हुई है, जिसमें हमें आपदाओं पर भी बातचीत करनी होती है, और ये मेंस में सवाल आए हैं, इसके सारे प्रश्न ये मेंस में हैं। ज्योग्राफी में भारत का पूरा सामान्य परिचय कि भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत की भूगर्भिक संरचना, फिर भारत का भौतिक विभाजन, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से लेकर द्वीपीय प्रदेश तक, भारत का अपवाह तंत्र पढ़ना होता है, भारत की जलवायु पढ़नी होती है, भारत की मिट्टी मृदा पढ़नी होती है, वनस्पतियां पढ़नी होती है, फिर भारत की प्रमुख कुछ फैक्ट वाली चीजें, झीलें कौन सी है, बांध कौन से हैं। भौतिक भूगोल में हमें महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, जलवायु में ताप, दाब, पेटियां, जलवायु में वायु राशि, मानसून, स्थानीय पौने, तापीय बजट, चक्रवात, समुद्र विज्ञान में महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, मैंने जो मोटे तौर पर आपको बताया उसी को कवर कर लीजिएगा। ये 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी जो कवर करनी चाहिए आपने। बाकी यदि आपको किताब लेनी है तो DR खुल्लर की किताब, और एक मैपिंग के लिए स्टूडेंट एटलस लेना, स्कूल एटलस की जगह स्टूडेंट एटलस लेना। तो हमने जो सबसे पहला टेबल बनाया है उसे बना दीजिएगा। कल भी हम इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे, कल भी हम अभी GS पेपर 2 का पोस्टमार्टम करेंगे, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन प्रीलिम्स में आएगा, कौन मेंस में आएगा, और फिर हम आएंगे GS पेपर 3, GS पेपर 4, निबंध पर भी चर्चा करते हुए हिंदी और अंग्रेजी पर भी बातचीत कर लेंगे। 5 दिन मुझे आप दीजिएगा जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर करा दूं, और फिर पहले विषय से हम शुरुआत करेंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, इकोनॉमी से ही शुरुआत होगी। 7:30 बजे हमारी फिर मुलाकात होगी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर, जहां हम बातचीत करने जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि सीसेट की 2022 के विद्यार्थियों के लिए। बाय, और इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना।